हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। स्टेटमेंट है एन आर्मी कॉन्टिजेंट। ओके, हियर एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बताना चाह रही है कि यहाँ पर एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, आर्मी की टुकड़ी है, जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं। मतलब जो आर्मी मैन है वो 616 हैं, और उनके साथ ही उनके ये किनके बिहाइंड है कि एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स है। ओके, और ये जो बैंड है 32 मेंबर्स का, ये भी आर्मी का है, इसमें भी जो आर्मी के पर्सन्स हैं। और सिमिलर वे में जो यहाँ पर 616 जो मेंबर्स हैं, जो कि कॉन्टिजेंट है, उसमें भी आर्मी के मेंबर्स हैं। अब सिमिलर वे में ये टू जो ग्रुप्स हैं, एक तो मेंबर्स का और एक ये बैंड का, ये मार्च कर रहे हैं। और मार्च ये इस वे में कर रहे हैं कि आपको मैं अगर रफली बताना चाहूं एक पिक्चर की हेल्प से, तो इट्स लाइक डेट कि यहाँ पर हमारे पास जो ये डॉट्स हैं, जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ये बैंड है आर्मी के, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 32 मेंबर्स हैं। और इनके ही बिहाइंड हमारे पास यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है, दीज आर आर्मी कॉन्टिजेंट हैविंग 616 मेंबर्स एंड बोथ ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम वे। ओके, तो यहाँ पर ये 616 मेंबर्स हैं जो कि आर्मी के पर्सन हैं, और जो ये रेड कलर के जो हमने यहाँ पर रेड जो डॉट्स हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें 32 बैंड वाले। तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि ये 32 और 616 इन्होंने कॉलम्स बनाए हैं, तो कॉलम्स को हम ये कह सकते हैं कतार, लाइंस। और इन 32 बैंड्स के मेंबर्स और 616 जो आर्मी के मेंबर्स हैं, ये मैक्सिमम कितनी कॉलम्स बनाएंगे, कितनी लाइन बनाएंगे, और इनकी जो लाइंस होगी, कॉलम्स होगी, वो दोनों इक्वल होगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर, मैंने रफली आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि इन्होंने 1 2 3 4 फोर यहाँ पर कॉलम बनाए हैं, और उसी वे में 616 मेंबर्स ने यहाँ पर फोर कॉलम बनाए हैं। ये बच्चों मैंने आपको रफली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इन अ रियलिस्टिक फॉर्म, असलियत में ये कितने कॉलम्स बनाएंगे वैसे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, और आपको पता है ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें हम एससीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेम वे में हमें भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में एससीएफ ही फाइंड करना होगा। अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स बनेंगे, या फिर कोई और वे में भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में किया था कि मैक्सिमम कितने स्टैक होंगे, क्योंकि तो वहां पर हमारे पास टू डिफरेंट काइंड की बर्फीज थी, काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज, और शी वॉन्ट टू प्लेस इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टैक्स। ओके, तो उस टाइम भी हमने इस क्वेश्चन को डील किया था विद द हेल्प ऑफ द एससीएफ। सो सिमिलर वे में यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो दो नंबर हमें गिवन है, 616 एंड 32, उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है और देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर ये है, ओके, 616, और इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजर लेमा का फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैंने आपको इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म आपको बताया था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है डिविडेंड, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर,
इनटू क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ओके। और अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे, सो डिविडेंड रिप्रेजेंटेड बाय ए डिवाइजर बाय बी इनटू क्वोशेंट बाय क्यू एंड प्लस स्मॉल आर, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एंड आफ्टर दैट इसको हमने स्टेप की फॉर्म्स में लिखना है। एंड नाउ स्टेप वन, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 616 जो नंबर था उसको इन आ राइट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर डिवाइड करना है, और जो नंबर हमारा ग्रेटर था उसको हमने एज अ डिविडेंड मान के यहाँ पर रखना है। 616 और 32 जो हमारा नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड एज अ डिवाइजर हमने रखना है, और इसको देखना है कि ये किस टेबल पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 32, इसमें टू डिजिट है, टू और थ्री, टू जो डिजिट हो गए, 1 2 यूनिट डिजिट टू है, और यहाँ पर जो टेंथ हमारा जो डिजिट है वो थ्री है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 61 के करीब, क्योंकि 61 भी यहाँ पर टू डिजिट्स हैं, तो देखते हैं 32 के टेबल पे 61 कहाँ आता है। तो 61 तो नहीं आता, लेकिन उससे लेस आता है और 1 पर आता है, वो 32 ही होता है। तो 32 वन जर 32, आफ्टर डेट सब्ट्रैक्ट, सो हम यहाँ पर कैरी करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर हमारा बिकम्स 8, 11, 11 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड इट बिकम्स 9, एंड हियर रिमेनिंग 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2। एंड आफ्टर डेट हमने ये जो ये 6 हमारा रिमेनिंग है इसको हम नीचे कैरी करना है, 296 हमारे पास आया है। तो यहाँ पर हम इसको अगर हम देखें तो 32 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कि हमारा कितना आता है, 9 टू 18 और कैरी 1, 9 थ्री 27 एंड 28 एंड दिस इज अ 288। तो हमने 288 को यहाँ पर नीचे रख लेना है, और ये हमारा 9 की टेबल पर आया है, इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग आएगा 8। एंड फर्दर यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 32 है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 8। तो ये हमारा स्टेप वन कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर 616 हमारा डिविडेंड है, और 32 डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन 19 एंड रिमाइंडर 8। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है सिंपली कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर 8 आया है इसको फर्दर हमें डिवाइड करना है। सो 8 को हम यहाँ रखेंगे, जो हमारा इन अ प्रीवियस स्टेप जो डिवाइजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, एंड 8 फोर जा 32 एंड सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। और जो हमारा पर्पस होता है वो यही होता है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए एंड इट बिकम स्टेप 2। तो आफ्टर डेट 32 दिस इज इक्वल टू हमारा डिविडेंड है, 8 हमारा डिवाइजर है, 4 हमारा क्वेश्चन है एंड 0 हमारा रिमाइंडर है। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एससीएफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एससीएफ 8 आया है, और यही 8 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हेंस एचसीएफ ऑफ व्हाट नंबर 616 एंड 32 दिस इज इक्वल टू 8। तो यही हमारे क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ द कॉलम्स है, कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स फॉर द मार्च ऑफ 616 मेंबर्स ऑफ द आर्मी कॉन्टिजेंट एंड 32 मेंबर्स ऑफ बैंड दिस इज इक्वल टू इज 8 एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सिंपल हमारे पास यहाँ पर टू कंडीशन थी कि 616 जो हमारे पास आर्मी मैन है कॉन्टिजेंट है वो मार्च कर रहे हैं, और इन बिहाइंड ऑफ द 32 मेंबर्स ऑफ द बैंड्स, सो उसको हमने एससीएफ के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करना है। सिंपल जैसे कि हमने एग्जांपल में किया है, आपको जो मैंने बेसिक समझाया उसी बेस पर इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा का वो लिख लेना है इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करना है। और यहाँ पर सिंपली इन अ रफ वर्क आपने एग्जाम में से वैसे करना है, और रफ वर्क को आपने राइट हैंड साइड में ही करना है,
जो आपका पेपर होगा उसके राइट हैंड साइड में करना है आपने। इसको कहीं और नहीं करोगे, आपको दिखाने के आपने कैसे डिवाइड किया है, और इसको इक्वेशन नंबर वन मान के हमने वैसे स्टेप वाइज इसको डिवाइड करना है, और जो इसके एलिमेंट्स है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। और जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए उस स्टेप का, इसमें रिमाइंडर जीरो आया उसका, जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा एस सी एफ होता है, और जो ये एस सी एफ होता है इसका मतलब क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही हमारे होते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द मैक्सिमम कॉलम्स। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उससे पहले अभी बहुत थैंक यू। हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। स्टेटमेंट है यूज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हिंट, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 34, 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square of is this each of these and show that they can be rewritten in the form 3m or 3m plus 1. चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप के बच्चों जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन है वो हमने एग्जांपल में भी करे थे, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर हमें बच्चों क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पर शो करना है कि स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में हो, हमने ये शो करना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमने एग्जांपल में बच्चों क्वेश्चन किए थे वहां पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर थे जैसे कि ऑड और इवन नंबर, और उसके अलावा भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी है और लेकिन साथ में उसका स्क्वेयर भी है। तो स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हमने इस फॉर्म में शो करना है 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, जैसे कि इंटीजर अगर आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, तो वहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने कैसे स्टार्ट करने हैं, हमने लेट करना होता है कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम वही लेट करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो बच्चों यहां पर हम बी की वैल्यू को लेट करते हैं, और बी की वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इसका अंदाजा लगाना है कि यहां पर जो फॉर्म हमें शो करनी बोली होगी जैसे कि 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ पर बच्चों m हमारा क्या है, एक इंटीजर है, जैसे कि q हमारा जो होता है वो भी इंटीजर होता है। जब बच्चों हम यूक्लिड डिवीजन लैम्बा का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास होता है a दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो q होता है ये भी हमारा एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। तो यहाँ पर क्यू की प्लेस पर इस क्वेश्चन में m है, तो m के साथ जो भी नंबर होगा यही क्या होगा, हमारा b की वैल्यू इस फॉर्मूले के मुताबिक। अगर हम q की प्लेस पर यहाँ पर m लिख लें तो यहाँ पर m के साथ जो नंबर 3 है, ठीक है, यही हमारा बच्चों क्या है, यही हमारा b की वैल्यू है। और जैसे यहाँ पर 3m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि r की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और सेकेंड केस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3m प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर r की वैल्यू बच्चों हमारी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो m के साथ जो नंबर है ये हमारी b की वैल्यू है, और यहां से इसको हम लेट करेंगे तो b दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों यहां पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेंगे, और उसके बाद जो ये वैल्यूज है जो हमने लेट करी है ए और बी की वैल्यू 3, इसको बच्चों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो बच्चों ए की प्लेस पर हमने ए ही पुट करना है क्योंकि यहां पर हमने इसको ए लेट किया है,
और बी की प्लेस पर बच्चों हम यहाँ पर थ्री पुट कर लेंगे, थ्री क्यू प्लस आर, और इसको बच्चों हम क्या लेंगे से इक्वेशन नंबर वन। ओके अब देखिए बच्चों उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 3m एंड 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये q और ये जो r है इसकी कंडीशंस को लिखेंगे, q और r की कंडीशंस को लिखेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ये कंडीशन हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रहती है, सिर्फ जो r की कंडीशन है वो b के मुताबिक चेंज होती है। जैसे कि जो यहाँ पर हमारा जो क्यू होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू होगी। तो बच्चों इस लिहाज से हमारे पास जो क्यू की बच्चों वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो बच्चों यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू को लिख लेते हैं कि देयर फॉर क्यू दिस इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बच्चों क्यू की वैल्यू हमारे पास होगी जीरो और उससे ग्रेटर वैल्यू। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में ही होगी, आपको पता है कि जो ये क्यू होता है ये भी हमारा इंटीजर ही होता है जो कि इंफिनिटी को अप्रोच करता है। एंड जो बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू होगी वो भी बच्चों यही होगी जो इस कंडीशन के मुताबिक कि आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल है, उससे ग्रेटर है लेकिन बी से लेस है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी थी, थ्री। तो अगर यहाँ पर जो बच्चों आर है वो भी हमारा इंटीजर है, तो अगर b की वैल्यू बच्चों 3 है तो b जो 3 से जो छोटा इंटीजर है, ठीक है, जो सक्सेसिव इंटीजर है पीछे वाला इंटीजर वो बच्चों 2 है, तो मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम कुछ केसेस बनाएंगे, तो बच्चों हमने केसेस देखो कैसे बनाना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं r की वैल्यू पर, यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पर वन जो बच्चों हमारी बनेगी कि नाउ पुटिंग values of r this is equal to 0 1 2, और बच्चों ये r की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है इन 1, ठीक है। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 देखो, बच्चों आपको दिखा देता हूं कि जो हमने ऊपर भी लेट करी थी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, हमने ये r की वैल्यूज को 0 1 और 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट करना है। तो यहां पर बच्चों हम पहली जो वैल्यू है r की 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो चाहे लिखेंगे एट r इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम इम्प्लाइज का साइन लगा लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 में एक न्यू वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन गया 3q, ठीक है। ये बच्चों हमारा कितना बन गया 3q। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर बोला क्या हुआ है, यहाँ बच्चों हमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट है, तो बच्चों हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि use equals division lemma to show that the square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus। तो बच्चों यहाँ पर जो positive integer है इसमें odd number भी आ जाएंगे और even number भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने इसका square करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक condition यहाँ पर mention है, square करना है। तो यहाँ पर जो बच्चों जैसे कि हमने एग्जांपल करी थी वहां पर एग्जांपल में इस टाइप के जब हमने क्वेश्चन किए थे, तो ये तो बच्चों हमारे पास होता है इंटीजर, लेकिन इसका बच्चों हमने स्क्वायर करना है। तो देखो बच्चों स्क्वायर हमने कैसे करना है कि इसका सिंपल यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ए दिस इज इक्वल टू 3q आया, तो अगर बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए दिस इज इक्वल टू 3q बच्चों हमारे पास आया। तो बच्चों हमने बोथ साइड स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी बच्चों स्क्वायर करना है और राइट हैंड साइड भी बच्चों हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर हमने पाया ब्रेसिस लगा के, अगर बच्चों यहाँ से हम ब्रेसिस हटा दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बच्चों 3 का स्क्वायर भी होगा और यहाँ पर q का स्क्वायर भी होगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा जो a स्क्वायर कितना बन गया 9q स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बच्चों हमें बोला गया है कि ये स्क्वायर जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है इसको हमने 3m या फिर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमने
यहां पर इसको शो करना है, और यहां पर जो ये एम है ये सम इंटीजर है, एम क्या है सम इंटीजर है, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो यहां पर हम यही अब कंडीशन बनाएंगे, तो हमारे पास बच्चों जो यहां पर फॉर्म आई है स्क्वेयर करने के बाद वो आई है ए स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको बच्चों हमने क्या करना है कि 3m या 3m+1 की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर बच्चों ए स्क्वेयर हम रहने देते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बच्चों यहां से ना इन राइट हैंड साइड हम 3 निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। हमने 9 से 3 निकाला कॉमन, तो बच्चों हमारे पास देखो अंदर ब्रैकेट्स के क्या बच गया 3 क्यू स्क्वेयर, ओके। ये बच्चों हमारे पास जो राउंड ये जो ब्रेसिस इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, हमारे पास बच्चों ये बच गया, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये वापस यही बन जाएगा 9 क्यू स्क्वेयर, 3 3 9 और क्यू स्क्वेयर। तो बच्चों हमने 3 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि सिंपल मैं आपको बच्चों यहां बता देता हूं कि ए स्क्वेयर बच्चों लिखने के बाद दिस इज इक्वल टू ये बच्चों हमने 3 लिखा, और ये जो बच्चों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ये वाला जो बच्चों पार्ट है इसको हमने एम पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। इसको हमने क्या पुट कर देना है, एम पुट कर देना है। और बच्चों यहां पर हम क्या लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये कंडीशन कि वेयर एम हमारा सम इंटीजर, तो हम लिख देंगे एम बिलोंग्स टू इंटीजर, और बच्चों इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल बच्चों आई भी हमारा होता है, लेकिन जब हम आई लिखते हैं तो सिंपल उसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सम इंटीजर है, एम बिलोंग्स टू सम इंटीजर, तो बच्चों यहाँ पर हम इंटीजर साइन जो कि हर जगह वेरीफाई है वो कैपिटल जेड है, इसको कैपिटल जी भी बच्चों हम बोलते हैं, हमने यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारा बन गया 3m, एक बच्चों कंडीशन बन गई। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। तो बच्चों दूसरी कंडीशन है कि r को हमने कितना पुट करना है, बच्चों देखो r को हमने 0 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब बच्चों हमने r को 1 पुट करना है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि एट r दिस इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर बच्चों 1 बनेगी वो कितनी बनेगी कि a दिस इज इक्वल टू 3q+1, और यहाँ पर बच्चों इसके बाद हमने स्क्वेयर करना है बोथ साइड। तो बच्चों जब हम स्क्वेयर करेंगे तो सिंपल देखो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा कि ए का स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 3q+1 का स्क्वेयर, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों इसको हम ओपन कर देंगे, तो बच्चों ओपन हम यहाँ करते हैं सिंपली कि हमारे पास देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ए का स्क्वेयर बच्चों हमारा ए स्क्वेयर बनेगा, और बच्चों इस 3q+1 का होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चों बायनोमियल फॉर्मूला हमारा होता है बायनोमियल थ्योरम से जो हमारा फॉर्मूला बनता है इसमें बच्चों हमने पुट कर देना है। तो बच्चों वो फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पर बच्चों हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बच्चों हमारा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डाल लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये बच्चों हमारा किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर एंड प्लस बी स्क्वेयर एंड प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिंपल वे में हमारे पास बच्चों देखो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर इस हिसाब से ये खुल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर a जो हमारा है वो है 3q और b हमारा है 1, तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, जैसे कि 3q का स्क्वेयर एंड प्लस 1 का स्क्वेयर एंड प्लस 2ab, मतलब 2 ए हमारा 3q और बी हमारा 1, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो साथ में हमने रेफरेंस भी बच्चों दे देना है, ठीक है। अब सिंपल सी बच्चों बात है कि इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ बच्चों हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर ओपन किया था, जैसे ये रहा 3 क्यू का होल स्क्वायर हमारा क्या बना था 9 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ओपन इसको कर लिया मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों हमारा 1 होता है, और यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास क्या है 3 2 6 6 × 1 6 एंड यहाँ पर क्यू है तो बच्चों ये बन जाएगा 6 क्यू, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, हम 9 क्यू स्क्वेयर एंड प्लस 6 क्यू को एक साथ रख लेते हैं और ये प्लस 1 को हम लास्ट में रख लेते हैं, ठीक है बच्चों, हमने अरेंज कर दिया, उसकी पोजिशन चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, तो बच्चों स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट बच्चों हमें बोला गया 3m+1, ठीक है। तो बच्चों स्टेटमेंट में हमें यहाँ बोला गया है कि 3m+1 की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो बच्चों ये वाली फॉर्म बनाते हैं हम यहाँ पर, ये वाली फॉर्म देखो हमारी कैसे बनती है। तो सिंपल बच्चों हम क्या करेंगे कि इतने पोर्शन में से इतना जो पोर्शन है 9q² + 6q, इसमें से बच्चों हम 3 निकाल लेंगे कॉमन। तो देखो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा
थ्री जो 9 होता है तो बच्चों यहाँ पर 3 बचेगा, क्यू स्क्वेयर बचेगा एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर बच्चों अगर हम 3 निकालते हैं कॉमन तो बच्चों यहाँ पर 2 क्यू बच जाएगा, ये बच्चों ब्रैकेट में आएगा। और बच्चों जो प्लस 1 है ये हम एज इट इज यहाँ पर रख लेंगे प्लस, ठीक है। और जो बच्चों इतना जो हमारे पास पार्ट है ये वाला, तो इसको बच्चों आपने एम पुट कर देना है, ठीक है, एम पुट कर देना, एम एंड प्लस 1। और बच्चों यहाँ पर आपने वो रेफरेंस भी देना है कि वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए स्क्वेयर जो हमारा था, ये बच्चों ए स्क्वेयर ही चल रहा है, आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लाइन लगा सकते हो, ठीक है, कि वो हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, मतलब जब हमने r को 1 पुट किया, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर वो कंडीशन में बच्चों हमारी बन गई 3m प्लस 1, और पिछले केस में बच्चों हमारे पास 3m मिल चुका था, ठीक है। तो इसको बच्चों मैं यहाँ पर येलो इसमें बॉक्स में बंद कर लेता हूँ कि देखो हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है। तो एक तो बच्चों हमारे पास कंडीशन ये बन गई 3m वाली जो कि क्वेश्चन में हमें बोला था, और एक 3m प्लस 1 वाली बच्चों हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। तो उसको बच्चों मैं यहाँ पर चाहे तो इसको हम यहाँ पर ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर लिया, ओके, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है बच्चों आर की वैल्यू 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू अब बच्चों हमने यहाँ पर 2 पुट करनी है, तो बच्चों ये हमारी 2 वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर पुट करना है। तो बच्चों हम इक्वेशन में 1 में आर की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि एट आर दिस इज इक्वल टू 2, तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन में 1 है इंप्लाइज का बच्चों साइन लगाएंगे, तो ए दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बच्चों हमारा बन जाएगा। उसके बाद बच्चों इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर बच्चों यहाँ बनेगा एंड 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका बच्चों स्क्वायर हम इसी फॉर्मूले से जो ये रेफरेंस के फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों जो ये रेफरेंस का फॉर्मूला है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना इसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये रेफरेंस के बेस पे इसको हमने ओपन करना है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डालो ये कर्ली ब्रेसेस, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है। एंड उसके बाद देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला है इन लेफ्ट हैंड साइड ए का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ बच्चों है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये बनेगा 3q का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ए बच्चों हमारा 3q है और बी हमारा 2 है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड क्यू का स्क्वायर बच्चों क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों 2 का स्क्वायर बनेगा हमारा 4 एंड 2 3 6 6 2 12, तो बच्चों बन जाएगा 12q। और यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, पहले बच्चों 9q स्क्वायर को हम यहाँ पर रख लेंगे, उसके बाद 12q को एक साथ रख लेंगे 9q स्क्वायर के साथ, और बच्चों 4 को हम यहाँ रख लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3m और 3m प्लस 1 वाली फॉर्म आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू r की है, तो इसको हमने छोड़ना नहीं है कि हमारे पास देखो 3m ऊपर बनी और 3m प्लस 1 यहाँ पर बन गई, तो हमने आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, जो आगे r की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है इसको बच्चों सॉल्व करना है। और ये जो बच्चों हमारे पास कंडीशन है ये भी कुछ ऐसी ही बनेगी, या तो 3m बनेगी या फिर 3m प्लस 1 बनेगी, वो बच्चों हमने देखना है। तो बच्चों देखो हमने कैसे करना है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना, देखिए यहाँ लिख लेंगे बच्चों 9q स्क्वायर, ठीक है, एंड 12q। तो पीछे जो बच्चों हमारे पास फॉर्म है वो है 3q या फिर 3m या फिर 3m प्लस 1। तो लास्ट में बच्चों 1 था, तो लेकिन यहाँ पर 4 आया कॉन्स्टेंट नंबर, और पिछले केस में देखो यहाँ पर बच्चों 1 ही आ गया था हमारा, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया था, इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन निकाल दिया था। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, बच्चों लिख सकते हैं इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब बच्चों हम कॉमन निकालते हैं, तो बच्चों देखो हमने कॉमन कैसे निकालना है, इतने पोर्शन में से बच्चों हमने कॉमन निकालना है। तो बच्चों ये जो मैं टैग करता हूँ नीचे, आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको मैं बताने के लिए करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कॉमन कहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इतने पोर्शन में से मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पर बच्चों मैंने इक्वल लगाया और यहाँ पर बच्चों मैंने 3 निकाल दिया कॉमन। अब बच्चों मैं 3 के मतलब क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में 3m है, आगे 3 है ना, तो इसलिए मैं 3 निकाल रहा कॉमन। कुछ और होता 4 होता तो बच्चों मैं 4 निकालता कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर बच जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास है 12, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 3 4 12, तो 4q। और बच्चों देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 निकाले कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 3 था ये निकाले कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, 0 नहीं बचा, ठीक है, 1 बचेगा। और बच्चों देखो यहाँ पर कितना है 1,
अब जो बच्चों इतना जो ब्रेसिस के अंदर जो पार्ट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसको हम एम पुट कर लेंगे, तो ये बच्चों हमारा 3m plus 1 ही बन गया। और यहाँ पर बच्चों हम कंडीशन भी लिख देंगे कि वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा देखो कितना बन गया, ए स्क्वायर ही बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बेशक चाहो आप ए स्क्वायर लिख लो या फिर वो लाइन भी लगा सकते हो, ऐसे मैंने ऊपर लगाई थी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारा हो गया। और सिंपल इसको भी हम बॉक्स के अंदर बच्चों यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं कि हमारे पास देखो कितना बन गया ये ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर दोनों हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, 3m वाली बच्चों कंडीशन ऊपर आ चुकी है, 3m प्लस 1 वाली बच्चों कंडीशन आ चुकी है, ये भी हमारे पास जो थर्ड केस है ये भी 3m प्लस 1 ही हमारा बन गया। अब बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो जितनी भी इसकी स्टेटमेंट है जो हमसे पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखो बच्चों स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा, जो कि हमने यूज कर लिया, कि हमने ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर हो, आइदर या तो वो इस फॉर्म में होगा और या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और m यहाँ पर क्या सम इंटीजर। तो जो यही हम बात को यहाँ पर लिख देते नीचे, तो यहाँ पर देखो बच्चों लिख देंगे कि hence square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1, where m belongs to some integer, तो m belongs to capital C। तो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन था, hence proved, बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे hence proved। तो बच्चों एक बार हम क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल अगर नहीं देखी तो पहले वो आप चेक करें, वहां पर मैंने काफी डिटेल में इन क्वेश्चन को बताया हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले आप जो बेस है वहीं से देखें, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा ही स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू हम बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेते हैं, जो यहाँ पर क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जो नंबर होगा वही बी की वैल्यू होगी, बी इक्वल टू 3, ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेना है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद बच्चों जो ये हमने कंडीशन लेट करी है ए और बी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पुट कर देनी है, क्वेश्चन वन बच्चों हमारी बन जाएगी। हमने बच्चों इस क्यू की और आर की कंडीशन को यहाँ पर लिख लेना है, वो बच्चों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लेनी है सिंपली, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर कितना बनेगा कि यहाँ पर देखो अब जो आर की बच्चों वैल्यूज जो है, ये बच्चों वैल्यूज है आर की, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में, हमारे पास जो बच्चों कंडीशन बनेगी तो उसको हम 3m बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारे ऊपर है कि हमने कैसे बनाना है, तो हमारे पास 9 क्यूब स्क्वायर आया था, उसमें से 3 बच्चों ने कॉमन निकाल लिया और 3 क्यूब स्क्वायर को हमने m पुट कर दिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो q है ना उसको हमने m भी क्यों पुट किया, बच्चों यहाँ रफ में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में बताया था, ये बच्चों रफ आपका वर्क है, ठीक है, रफ है। तो अगर देखो हमारे पास बना ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, तो अगर बच्चों मैं क्यू को मैंने बताया था कि इसमें से कोई एक वैल्यू पुट कर लो, तो वैसे हम 1 पुट करते हैं, आप चाहो तो 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, लेकिन आपको चेक करना है आप किसी एक वैल्यू को यहाँ पिक करके यहाँ पुट करो। तो देखो बच्चों कितना बनता है ये 3 इंटू 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो कितना बना बच्चों हमारे पास, ये था 9 क्यू स्क्वायर, हमने ये 3 क्यू स्क्वायर को इसको यहाँ पर सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर भी आप ऐसा करो, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ साफ साफ करके ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, अब बच्चों हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाले, हमारे पास बच गया बच्चों 3 क्यू स्क्वायर। अभी बच्चों ये 3 क्यू स्क्वायर इसको हमने एम क्यू पुट किया, दिखाता हूँ। अगर बच्चों 3 क्यू स्क्वायर में हम क्यू की जगह पर 1 पुट कर ले तो देखो कितना बनेगा 3, कोई 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3। अगर बच्चों हम 2 पुट कर ले, ठीक है, तो बच्चों 1 हमारा ऑड नंबर है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो 2 2 4, 4 3 12। बच्चों ये 12 है, ये भी तो एक इंटीजर है, जो ये 3 है ये भी बच्चों हमारा इंटीजर है, या फिर बच्चों 12 है ये भी इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली पुट कर लेते हैं कि इसको बच्चों हमने m पुट कर लिया, ठीक है m, और यहाँ पर ही बता देते हैं कि ये जो हमारा जो पास जो m है यही किसका 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, और ये बिलोंग टू किसके है, इंटीजर के, क्योंकि बच्चों देखो इसको सॉल्व करने पर इंटीजर ही आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 आ रहा है,
तो हम ऐसा करते हैं सिंपल। और आगे भी जो हमारे पास 3m+1 है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, इसमें बच्चों 1 जोड़ दिया 3m+1, तो जो कितना बनेगा हमारे पास, वो सिंपली हमारे पास बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन होती है, लेकिन वहां पर जो हमने m पुट किया था वो डिफरेंट कंडीशन थी। जैसे कि हमने जब r की वैल्यू को 1 पुट किया, तो यहाँ पर जो हमने m पुट किया वो इतनी वैल्यू को पुट किया 3q² + 2। तो आप इसमें 1 पुट कर देख लो, तो ये बन जाएगा 3 + 2 5। तो 5 को, 5 तो बच्चों हमारा इंटीजर ही है, और इसको हमने m पुट कर दिया ना। नीचे हमने क्या पुट किया आपको दिखा देता हूँ, हमने इतने पोर्शन को बच्चों ये ब्रेसिस वाले को m पुट किया। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, अगर मैं रफ में आपको बताऊं, यहाँ पर अगर रफ में आप वर्क कर लूँ, तो यहाँ पर देखो क्या था, 5 बना, 5 बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इसको जब हमने m पुट कर लिया तो m भी बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसको हमने m मान लिया। सिंपल जो हमारे पास लीड थी क्वेश्चन की, इसको 3m+1 में हमने शो करना है। आगे भी जो बच्चों हमने कंडीशन करी, उसमें देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर इसको हमने m पुट कर लिया। अगर तो सॉल्व करो, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, जैसे 3 और 4 7, 7 और 1 8 बन जाएगा। 8 भी क्या बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो 3m+1 ये भी बच्चों हमारा इंटीजर है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लास्ट में अपने जो लाइन है वो लिख देनी है कि हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 वेयर n m बिलोंग्स टू इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 से समझ आया होगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट करते हैं। थैंक यू। हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो बच्चों हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यहां पर ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, क्यूब। तो बच्चों इन अ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था कि स्क्वायर के बारे में बात करी थी, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, क्यूब। ओके, वो किस फॉर्म में होंगे, 9m, 9m+1 या फिर 9m+3। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन को हमने यहाँ पर शो करना है। बच्चों वैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहां पर बच्चों वही लेट करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू। तो बच्चों मैंने को क्या बताया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहां पर जो एम होता है, क्यू होता है, कुछ भी होता है, उसके साथ जो नंबर होता है वही हमने बी की वैल्यू को लेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर 9 है, तो बी की वैल्यू को हम यहाँ पर चलो 9 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ए दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 9q+r एंड से इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर बच्चों अब हम क्यू और आर की कंडीशन को लिखेंगे कि क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो बच्चों यहां पर देखो अब हमारे पास क्यू की जो बच्चों वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो बच्चों देखो क्या होगी, देखो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया कि जो आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी है, मतलब कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे आर की वैल्यू को, और ये बी से लेस, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 9 है, उससे एक लेस जो इंटीजर है कौन सा, 8 तक, मतलब इसकी वैल्यू 8 तक जाएगी, 8 तक जाएगी। और बच्चों अगर इसकी वैल्यू 8 तक गई तो क्वेश्चन हमारा काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो हमने क्यूब करना है, पॉजिटिव इंटीजर क्यूब करना है हमने, और आर की वैल्यू जो हमारे पास आती है, जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आर की 9 वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0 से लेके 8 तक, तो हमें 9 बार क्यूब करना होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा
लेंथी हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू को चेंज करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी कि स्टेटमेंट में हमारे पास जो यहाँ पर एम या फिर क्यू होगा उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आगे को, तो उसको हमने बी मान लेना। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर बी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई तो आर की वैल्यू बच्चों उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू डिपेंड्स ऑन बी। और हमारे पास जो केस बनेंगे वो 9 बनेंगे और सबका हमें क्यूब करना होगा जैसे कि हमने इन अ प्रीवियस क्वेश्चन स्क्वेयर किया। तो वहां तो हमारे पास 3 ही केस थे, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों क्यूब करेंगे टाइम बहुत हमारा वेस्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल कि हम यहाँ पर 9 जो है ना इसका मल्टीपल लेते हैं। तो बच्चों मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि 9 का जो बच्चों मल्टीपल है वो है 3, क्योंकि बच्चों 3 के टेबल पर 9 आया था, वो 3 1 3 एंड 3 2 6, तो बच्चों 6 भी 3 का मल्टीपल है और 3 3 9, तो बच्चों 9 भी 3 का मल्टीपल है। जैसे हमारे पास है 8, तो बच्चों जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल भी है। लेकिन बच्चों जो 9 है ये सिर्फ 3 का मल्टीपल है, क्योंकि बच्चों जो 8 है वो 2 के टेबल पर भी आता है, 2 1 2 एंड 2 4 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये 8 है वो 2 का मल्टीपल भी और 4 का मल्टीपल भी है, लेकिन जो बच्चों 9 है वो 3 का ही मल्टीपल है। यहाँ पर जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 है वो 1 का और 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर जो 9 है वो 3 3, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 9 की प्लेस पर जो इसका मल्टीपल है वो ले सकते हैं इन द कंडीशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ द बी इज टू मच लॉन्ग, इट्स लाइक दैट इज टू मच बिगर वैल्यू। और क्योंकि जो आर की वैल्यू है इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द बी, सो अगर बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास ग्रेटर होगी, लॉन्गर होगी, बड़ी वैल्यू होगी, तो वैसे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी आर की वो भी काफी ज्यादा लेंथी बनेगी। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इस 9 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, जितना हमारे पास यहाँ पर जो 9 है, जहां जहां पर 9 है जिस बच्चों 9 को हम रब कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो हम कंडीशन क्या लिखेंगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका जो मल्टीपल है 3 का, आई एम सॉरी 9 का, वो 3 है, वो 3 लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों हम बी के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो बच्चों कंडीशन बनेगी आर की वो लेस देन 3 बनेगी, मतलब कि 0 1 2 बनेगी। अब बच्चों हमने क्यूब कर देना और ये बच्चों वैल्यू 3 है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे नाउ पुटिंग, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर दिस इज इक्वल टू 0 1 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है बच्चों। हमने एक तो बच्चों वैल्यूज पुट करनी है और साथ में हमने उसका क्यूब करना है, ठीक है, पावर 3। हमने इन प्रीवियस क्वेश्चन स्क्वेयर किया था, यहां पर क्यूब करना है। तो बच्चों यहां लिखेंगे एड R this is equal to 0, तो बच्चों पहली वाली कौन सी R की 0, इसको बच्चों हमने पुट किया, तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन में 1 बनेगा, A this is equal to 3Q plus 0, और ये बच्चों हमारा क्या होता है 3Q ही होता है, this is equal to, ये बच्चों क्या बन गया कि A this is equal to 3Q। अब बच्चों इसका हम क्यूब भी कर देंगे, हमने बहुत सारे बच्चों क्यूब कर देना है, तो A का क्यूब यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा 3Q का क्यूब। तो बच्चों जब हम क्यूब करेंगे तो देखो क्या बनेगा, A क्यूब, हमने बच्चों ये होल क्यूब किया, अब यहाँ पर ब्रेसेस हमने बच्चों हटा दी, ए क्यूब, और 3 का बच्चों क्यूब कितना होता है, तो बच्चों ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, पावर 3, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 एंड 9 3 27, 27, तो बच्चों क्यूब का क्यूब क्यूब क्यूब। अब देखिए बच्चों हमने कॉमन क्या निकाला, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 कॉमन निकाला था, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि 9m, तो हमने बच्चों यहाँ पर 9 निकालना है कॉमन, जो भी कंडीशन बनेगी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8, इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको शो करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर देखो ए क्यूब, हम बच्चों यहाँ पर 9 निकालेंगे कॉमन, और 27 में से अगर 9 निकालते हैं कॉमन, तो 9 3 27, यहाँ पर जो कितना बचेगा 3, और क्यूब 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 क्यूब, ये बच्चों जो 3Q³ है इसको हम क्या पुट कर लेंगे, इतने पोर्शन को बच्चों हम क्या पुट कर देंगे m, जो बस जैसे कि हमें क्वेश्चन बोला गया है, और m क्या सम इंटीजर, यहाँ बच्चों कंडीशन मेंशन कर देंगे वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या बन गया कि a क्यूब दिस इज इक्वल टू 9m, ओके, ये बच्चों हमारा बन जाएगा सिंपली।
अब बच्चों इतना करने के बाद हमें देखो आप क्या करना होगा, सिंपल आपको बताता हूं कि एट आर इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू अगर वन हो तब हमारे पास देखो कंडीशन क्या बनेगी, तो ए दिस इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है बच्चों, एक तो कंडीशन ये बन गई, और सिंपल इसका बच्चों हमने क्यूब करना है, तो इंप्लाइज ए क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस वन का क्यूब, और ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा ए क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू इसका बच्चों क्यूब। तो बच्चों क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अब सिंपल तो मैं ऐसा करता हूँ कि रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि रेफरेंस का बच्चों जरूर देना है, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ए क्यूब है एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि बिकॉज ए प्लस बी, ठीक है, का क्यूब, तो ये बन गया कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर एंड प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे, तो जैसे हमारे पास है ए क्यूब बच्चों पहले, तो ए हमारा थ्री क्यू है, बच्चों यहाँ पुट करेंगे थ्री क्यू का क्यूब एंड प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, तो बच्चों ए हमारा कितना है, ए बच्चों हमारा यहाँ पर है थ्री क्यू, तो थ्री क्यू स्क्वेयर बी एंड प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, मतलब थ्री ए बच्चों हमारा थ्री क्यू और बी स्क्वेयर है हमारा वन, मतलब बी हमारा वन है तो बी स्क्वेयर एंड प्लस बी क्यू मतलब कि ए का क्यू। तो बच्चों देखो हमारा कितना बन जाएगा, ये थ्री का क्यू बच्चों कितना होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू, और बच्चों यहाँ पे देखो कितना बनेगा थ्री का स्क्वेयर नाइन, ठीक है, थ्री का स्क्वेयर नाइन और नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन, तो ट्वेंटी सेवन और बच्चों यहाँ पर है क्यू स्क्वेयर, यहाँ पर वन, तो बच्चों ये बनेगा ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वेयर, ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वेयर, और बच्चों देखो यहाँ पे कितना बनेगा वन का स्क्वेयर वन एंड थ्री थ्री से नाइन, तो नाइन क्यू एंड प्लस वन का क्यूब बच्चों हमारा वन बनता है। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पर दो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर देखो बच्चों हमने क्या बनाना है, सिंपल हमें बोला गया या तो फर्स्ट जो कंडीशन है 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, तो बच्चों हम 9m प्लस 1 की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ देखो प्लस 1 तो हमारा आ गया, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि 9m प्लस 1 यहाँ बन जाएगा, जो इतना जो बच्चों हमारे पास पोर्शन है ये वाला, इसमें से हम 9 निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 27 है, तो हमारे पास यहाँ पर बाकी बचेगा 3qq, उसके बाद यहाँ पर 27 है 3q स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास 9 है, 9 हमने कॉमन निकाली, तो यहाँ बचेगा q एंड प्लस 1, और जो बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे 9m प्लस 1, ओके। तो ये बच्चों ए क्यू के बारे में हमारे पास क्या आ गया 9m प्लस 1, और बच्चों यही हमने यहाँ पर शो करनी थी, यहाँ लिख देंगे कि वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, कैपिटल Z। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि r की वैल्यू को हम कितना पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है। तो बच्चों r की वैल्यू को हमने यहाँ पर 2 पुट करना है, तो बच्चों ये वाली कंडीशन भी हम यहाँ पर बनाते हैं रिक्वायर्ड, तो इक्वेशन पर हमने बच्चों ने पुट करना है, तो लिखेंगे एट r दिस इज इक्वल टू 2, तो बच्चों हमारे पास देखो कंडीशन क्या बनेगी, a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है बच्चों, इक्वेशन पर 2 आई सॉरी इक्वेशन पर 1 देखो बच्चों क्या थी हमारे पास, तो वो थी 3q प्लस r, हमने r की जगह पे बच्चों क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया 3q प्लस 2, बच्चों हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इसका बच्चों हमने क्यूब कर देना है, तो बच्चों ये देखो क्या बन जाएगा a क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब होल क्यूब, ठीक है बच्चों ये हमारा क्यूब बन गया, तो होल क्यूब, ठीक है। और जिसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, क्या कह देंगे, बिकॉज ए प्लस बी होल क्यूब दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी एंड थ्री ए बी स्क्वेयर एंड प्लस बी क्यूब, तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब सिंपल हमारे पास
यहाँ जो जो कंडीशन लिख लेंगे कि ए क्यूब इन लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिख देंगे 3q का क्यूब ए क्यूब एंड प्लस 3 स्क्वेयर भी 3 3q का स्क्वेयर एंड बी एंड प्लस 3ab² ab² एंड प्लस b का क्यू मतलब 2 का क्यूब। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का क्यूब 27, क्यू क्यू, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 9, एंड 9 3 27, 27 2 54, 54 क्यू स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर बच्चों 4, एंड 3 3 9, 9 4 36, 36 क्यू, एंड प्लस 2 का क्यू बच्चों क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो बच्चों जो हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है तो उसके मुताबिक बच्चों जो हमारे पास बननी चाहिए कंडीशन 9m+8 बननी चाहिए, ठीक है। बच्चों वहां पर जो कांस्टेंट पार्ट हमारा 8 तो आ चुका है, तो 8 को बच्चों हम 8 ही रहने देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि इतने पोर्शन में से हम यहाँ पर 9 निकाल लेते हैं कॉमन, तो 9 बच्चों हम निकाला कॉमन, तो यहाँ पर बच्चा 9 3 27, 27 q³, एंड 9 6 54 q² एंड 9 4 36 q, एंड प्लस 8। और बच्चों इतने पोर्शन को, ये जो बच्चों हमारे पोर्शन है इसको हम m पुट कर देंगे, 9m+8 बच्चों हमारा बन जाएगा। और वेयर लिख देंगे कि वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल z इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों ये देखो हमारी कंडीशन बन चुकी है। और लास्ट में बच्चों हमने क्या करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें लाइन पिकअप कर लेनी है और उसको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था कि यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस या फिर दिस, ओके। तो बच्चों जो हमारे पास कंडीशन बनी सबसे पहले उसको हम देखें, यहाँ पर 9m सबसे पहले बच्चों हमारे पास था, तो 9m बच्चों पर देखो यहाँ बन गया था, ये 9m है, तो दिस इज अ 9m क्योंकि ये क्यूब है। और ये a को हमने क्या बना था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्टार्टिंग में हमने इसको लेट किया था, तो ये देखो बच्चों 9m बन गया, एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, a का क्यूब मतलब 9m बन गया। और यहाँ पर देखो बच्चों जो a का क्यूब है हमारा कितना बन गया, 9m+1, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बच्चों हमारे पास देखो a का क्यूब मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, उसका क्यूब बच्चों कितना बन गया, 9m+8, ठीक है बच्चों। इतना बन गया, इतना बनने के बाद हमने बच्चों उसको लिख दिया नीचे, तो लिखना है कि हेंस, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां पर लिख देंगे हेंस, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार बच्चों हम क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, वैसे बच्चों जैसे कि पीछे हम क्वेश्चन करते आए हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये वैल्यू नहीं ली थी जो एम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर हमने इसका मल्टीपल लिया, क्यों, क्योंकि अगर बी की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आर की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, वो भी उतनी बड़ी होगी, क्वेश्चन लेंथी होगा, तो हमने 9 का मल्टीपल 3 ले लिया यहाँ पर। ये बच्चों हमारा रफ पार्ट था, ठीक है, ये बच्चों हमारा रफ पार्ट है। और उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर इक्वल्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखा, उसमें बच्चों हमने ए और बी की बच्चों वैल्यू पुट करी, क्वेश्चन में बच्चों 1 हमारी बन गई, हमने क्यू और आर की कंडीशन लिखी, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज को बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया, और हमने फिर आर की वैल्यू को 1 by 1 पुट किया, तो हमारे पास देखिए 9m बन गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9m+1 बन गया, और लास्ट पे हमारे पास जो कंडीशन है वो 9m+8 बन गया, फिर हमने ये 9 लिखा, ठीक है। तो बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5th था एक्सरसाइज 1.1 का, वो कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, तो उससे पहले इतना नोट कर लें, थैंक यू सो मच।